बड़ी हिम्मत है, 8 बजे से ड्राइव कर रहे हैं और अभी 1:20 हो गए, 1:15 के अंदर तकरीबन ड्राइव कंटिन्यूसली की है। और अभी कुदरत की मिस कॉल आ गई है। कुदरत की मिस कॉल आई है। इधर बात सुने भाईजान, आपको गुजर बसर हो जाता है इतने में। कितनी की दिहाड़ी लग जाती है? माफ करने वाले। ये अभी हम पहुंचे 3:37 पे मोरो पे। गाड़ी की हालत देखिए आप, जरा चेक करें। ਨਖਰੇ ਵੇਖੋ ਜਨਾਬ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਅਲੱਗ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਯਾਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੇ ਕਦੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੀਦਾਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਸੇ ਕਰਨ ਕਾਰ ਵੇ ਯਾਰ ਵੇ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਵੇ। वालेकुम। कराची से लाहौर मेहरान में ट्रिप का जो हमारा आगाज था वो सुबह 8 बजे घर से हुआ। वैसे प्लान तो सुबह 6 बजे का था लेकिन चूंकि हम देर से उठे तो 8 बजे हम घर से निकले। अब हम इस वक्त पहुंचे हैं सदाबहार रेस्टोरेंट में। टाइम हो रहा है 9:38 यानी कि यहाँ नाश्ता वगैरह करेंगे, इसके आगे फिर आगे का देखते हैं। ये सद हमारे साथ है और मेहरान में है हमारा। स्टे ट्यून्ड। हाए नी आपा फेर मिलांगे, कदे ना कदे फेर मिलांगे। हाए नी आपा फेर मिलांगे, कदे ना कदे फेर मिलांगे। मैं फुल बन्ना तू तारा सजना, कल्ला ते कवारा सजना। मिलना चाहूं दोबारा सजना, फेर ना ला दी लारा सजना। मिट्टी दा बाण ढेर मिलांगे, हाए नी आपा फेर मिलांगे। कदे ना कदे फेर मिलांगे, हाए नी आपा फेर मिलांगे। ट्रैवल हमारा कंटिन्यूस है। इस वक्त हम जो है इंडस हाईवे पे चल रहे हैं। हम मेहरान यूनिवर्सिटी इंडस हाईवे से मुड़ गए थे यहाँ पर। अभी हमारा नेक्स्ट जो आएगा मूव काजी अहमद से आएगा। अभी हमारा 68 किलोमीटर अप्रॉक्स रहता है और इजीली हम कंफर्टेबल जो है जा रहे हैं। साथ में ही हमारे वकार हैं। वेदर बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत बहुत अच्छा वेदर हो रहा है। A1 जबरदस्त। आगे आगे साथ साथ आपको बताते रहते हैं कि क्या सिचुएशन है और क्या पोजीशन है। सीन्स चेक करें दोस्तों, क्या VIP वेदर हो रहा है। बारिश हो रही है बहुत उम्दा। वकार सही क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा हो रहा है। ये मैं आपको एक मजे की बात बताऊं। ये जब सिंध में हो ना, ये आप ये सिंधी टोपी लेकर आइएगा साथ और ये पीछे अजरक भी रखिएगा। यहाँ पे ये बहुत जरूरी है इधर। तो बाकी आप समझदार हैं और बाकी मौसम बहुत उम्दा हो रहा है भाई। वाह वाह क्या कहने, पैसे वसूल हो गए भाई। देखी सोने जरूर वे, दूर बैठे आ एक दूजे तो फिर भी किन्ना नेड़े वे। एयरपोर्ट ते छड़न वेले उतर गए सी चेहरे वे। ए दूरी सोनिया मज दूरी सोनिया नहीं। अरे सिंध आ गया, क्या कहने भाई। आपको क्लास खोल के दिखाता हूँ। ब्यूटीफुल भाई जान। अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से हम दरिया सिंध जो है इसको क्रॉस कर रहे हैं। ये हम ब्रिज पर हैं दरिया सिंध के और ये वकार भाई कंटिन्यू पानी पीते हुए। पता नहीं कितनी बोतलें तो खत्म कर ली है ना। दूसरी बोतल है भाई जान इनकी। लो भाई ये वाली सवारी पे जाएंगे हम। वाइफ तो ये कर रहा है भाई, जिंदगी जी रहा है। बोले तू क्या कर रहा है, जिंदगी तो मैं जी रहा हूँ। यार ये क्या है जी, ये अरे पाकिस्तान का UFO है। अरे UFO हो रब जा।
ਜਾਣੇ ਕਦ ਮਿਲਣਾ ਏ ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਏ। ਹਾਂ ਅਭੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ 1:15। ਜੀ ਹਮਾਰੀ ਗਾੜੀ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਦੇਖੇ ਜ਼ਰਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਡਲਵਾਨੇ ਕੇ ਰੁਕੇ ਹਮ PSO ਪੇ ਔਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਥੀ ਰਸਤੇ ਮੈਂ, ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕੀਆ, ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਮੌਸਮ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਆ ਕਹਿਤੇ ਹੈ ਜੈਸੇ ਆਪ ਕਹਿ ਲੈ ਕਿ ਸੋਫਟ ਸੋਫਟ ਸਾ ਨਾ, ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਸੀ ਠੰਡ ਔਰ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇ ਕਾ ਮੌਸਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਆਗੇ ਆਗੇ ਫਿਰ ਆਪਕੋ ਬਤਾਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਸੀਨ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਪਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਯੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡਲਵਾ ਰਹੇ ਹੈ ਸਰ। ਟਾਈਮ ਜੋ ਹੈ 1:16 ਹੋ ਗਏ ਤਕਰੀਬਨ, ਬਾਕੀ ਕਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਤੇ ਹੈ ਕੰਟੀਨਿਊ, ਬਾਕੀ ਗਾੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਦੇਖੀ ਹੈ ਸੋ ਆਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਗਾੜੀ ਕੀ ਹਮਨੇ ਲਾਈਟਸ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਵਾ ਲਈ ਔਰ ਅਸਦ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਥੱਕ ਕੇ, ਅਭੀ ਕਿਆ ਸੀਨ ਹੈ ਅਭੀ ਭਾਈ? ਹਮ ਲੋਗ ਜੋ ਹੈ ਪੈਟਰੋਲ ਫੁੱਲ ਕਰਾਇਆ ਹਮਨੇ, ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਅਭੀ, ਕਿਆ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ? ਰੁਕ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਪਰ ਟਾਂਗੇ ਥੋੜੀ ਸੀਜੀ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਏ ਥੇ ਅਭੀ। ਤੋ ਵੋ ਗਾੜੀ ਸਾਈਡ ਪੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੈ? ਇਸਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਭੀ, ਇਹ ਤੋ ਮਾਈਂਡ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਗਾ ਇਸਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਚਲੇ ਦੇਖਤੇ ਹੈ ਅਭੀ ਕਿਆ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਰ ਸੇ ਪੁੱਛਤੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਈ ਸੁਬਹਾ 8 ਵਜੇ ਸੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਿਰਫ ਹਮ ਵਹਾਂ ਸਦਾ ਬਾਹਰ ਪਰ ਰੁਕੇ ਥੇ ਕੁਛ ਦੇਰ ਕੇ ਲੀਏ, ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਸੇ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ। ਹਾਂ ਵਕਾਰ ਭਾਈ ਕਿਆ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ? ਅਦਾ ਵਕਾਰ ਸਹੀ ਚਾਹ ਵਾਲਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ 8 ਵਜੇ ਸੇ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਅਭੀ 1:20 ਹੋ ਗਏ, 1:15 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਡਰਾਈਵ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਕੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਕੀ ਮਿਸ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਾਲ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਚਲੇ। ये देखो गाड़ियों पर डांस दिखाऊं आपको, गाना भी सुन के गाड़ी चल 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 जी, सोचते हैं उनको। ये अभी हम पहुंचे 3:37 पे मोरो पे और पीछे पैच थोड़ा खराब था, उसकी वजह से हमें स्पीड जरा कम रखनी पड़ी अपनी, तो यहाँ पहुँचे, यहाँ पर जो है थोड़ा सा ट्रैफिक का हमें लोड मिल रहा है, ये हैवी व्हीकल्स भी हैं, बाकी आशिक निकम्मों पे हम तो लो बना दिया अब मजाक इश्क ने हमको, हंसते थे आशिक निकम्मों पे हम तो लो बना दिया अब मजाक इश्क ने हम दिया निकम्मा हमें इश्क ने है, आदमी थे हम भी बड़े काम के। हाथों की मेहंदी मेरे हाथों में महके, गम तो नहीं है उनका बस थोड़ी याद आती है। ओहो भाई साहब टाइम हो रहा है 6:10 और हम अभी रोड़ी सक्कर मोटरवे से तकरीबन 35 किलोमीटर पीछे हैं, ये हम यहाँ PSO पंप पे रुके रिफ्यूलिंग के लिए और मगरिब का टाइम हो गया तकरीबन, नमाज पढ़ेंगे फिर इंशाल्लाह आगे के लिए निकलेंगे। गाड़ी की हालत देखें आप जरा, चेक करें, ओए होए लेस वाला सीन है भाई, 30 रुपए वाले लेस खाएं। अच्छा ऐसा है कि हल्की हल्की सर्दी है, सर्दी महसूस तो हो रही है लेकिन हम वही कराची वाले माहौल में टी शर्ट में ही आए हुए हैं। यहाँ पे भी रुके हैं तकरीबन 35 किलोमीटर आगे और है अभी सखर मुल्तान मोटरवे जो है 35 किलोमीटर और तकरीबन 15-20 मिनट लग जाएंगे मैक्सिमम, तो वहाँ पहुँच कर फिर थोड़ा रिलैक्स करेंगे, अभी मगरिब का वक्त हो गया है तो साथ ही मस्जिद है, नमाज पढ़ेंगे और फिर आगे निकलेंगे इंशाल्लाह। 7:10 पे हम तकरीबन मोटरवे पे पहुँच गए, मोटरवे पे हम चढ़ चुके हैं, थोड़ा सा लेट हो गए हैं,
बारिश थी उसकी वजह से थोड़ा ट्रैफिक था, गाड़ी स्लो चलानी पड़ी। हम मोटरवे पे आ गए अल्हम्दुलिल्लाह, रोड़ी टूल से हम मोटरवे पे चढ़े सीधे लाहौर। जरा मेरे पास आ, अब बैठे हैं हम भी यहाँ दिल के दरमियाँ। बारिशें हैं तेरी ही। बिल्कुल लग रहा है सुबह हो गई, सूरज निकल रहा है। मैंने अपना सूरज लाया। क्या कह रहे? अपना सूरज लाया, सर्दी बहुत है ना पंजाब की। अब तू आती है बुलाती है, बिस्तर से यूं गिराती है कि सोऊं मैं बाहों में। यार जब से मोटरवे पे चढ़े तूने एक भी गाड़ी ओवरटेक नहीं की है, सारे तुझे ओवरटेक कर करके जा रहे हैं। ओए होए होए, ये ओ भाई साहब गाड़ी ओवरटेक की अगले ने सो की सीट पे। वाह वाह भाई जियो। अब तेरे बिना यहाँ मेरी सांसें जैसे बिना नींदियों गिराते हैं तू, और तू ही मेरे दिल की रज़ा है, तेरे बिना दिल भी खफा है तू। तेरी आंखों का काजल ना फैले अब कभी। रात के इस वक्त जो हैं 3 बज रहे हैं, यहाँ रुके हम चाय के लिए। इससे पहले जो गोका स्टेशन आया था वहाँ रुके थे, वहाँ पे हमने खाना खाया, उसके अलावा हमने वहाँ आराम किया और हमने तकरीबन 2-3 घंटे रेस्ट करने के बाद फिर हम निकले आगे। नेक्स्ट जो गोका स्टेशन आया यहाँ पे हमने रिफिलिंग करवाई है और अभी यहाँ चाय पिए, थोड़ी देर यहाँ पर रेस्ट किए, अब निकलेंगे आगे मज़ीद। अब हमारी कोशिश होगी कि थोड़ा सा लंबा चलेंगे। यहाँ पे हमने चाय पी है, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ चाय पी है, ये माहौल है जनाब। ये हमारी मेरू घड़ी है इधर, ये सामने कोके पंप है, पीछे की तरफ को आकर जो ये पीछे होटल आता है रेस्टोरेंट आता है, यहाँ पे हमने चाय पी है अभी, क्योंकि आगे जो थे कैफ़े वो बंद हो गए थे, टाइम ज़्यादा ऊपर हो गया। बाकी आगे अभी चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं साथ साथ। वहाँ पर हम मैं वीडियो इसलिए नहीं बना सका, मेरे फ़ोन मुबारक की बैटरी डाउन थी तो वहाँ पर कंटिन्यू इसलिए नहीं कर सके थे। अब यहाँ पर आके फ़ोन चार्ज किया है, यहाँ पर एक फ़ोन चार्ज पर है तो हमने इसको कंटिन्यू किया। आगे चलते हैं और साथ में फिर आगे मज़ीद बातें करते हैं। मुल्तान सर्विस एरिया पर हैं, सुबह के 6:15 हो रहे हैं। यहाँ पर बस थोड़ा सा रिफ्यूलिंग, रिफ्रेशमेंट एंड देन अगेन ऑन द वे। इतनी सर्दी हो रही है, सुबह के 6:00 6:20, कैसे बेचारे गरीब लोग इतनी सर्दी में इस तरह काम कर रहे होते हैं। इनकी हिम्मत है, अल्लाह पाक सबकी मुश्किलात आसान फरमाए। भाई सलूट ऐसे लोगों को जो इतनी सर्दी में भी बाहर काम करते हैं। हम तो मस्त इतना सुकून से गाड़ी में बैठे हुए हैं, अंदर गाड़ी गर्म है, लेकिन ये देखें कैसे कैसे लोग होते हैं बेचारे जो इतनी मजबूरी में बाहर सर्दी में काम करते हैं। अबे भाई ये तो हद से बढ़ गया। मुंजोआ इधर बात सुने भाई जान, आपका गुजर बसर हो जाता है इतने में। सारी बातों की है की तो बात, ये जो जाएंगे दिन तो फिर ना आएंगे हाथ, कल का किसको पता है तो फिर जी लेते आज के, फिर हो ना हो वक्त या फिर हो ना हो सारे कार लू मैं चार यार लू, थोड़ी जिंदगी से फुर्सतें उधार लू। एक कार लू मैं चार यार लू, थोड़ी जिंदगी से फुर्सतें। Here the time of 7:44 AM and here we are somewhere मुल्तान फैसलाबाद मोटरवे, वेरी प्लेजेंट। ज़्यादा इंग्लिश होगी आज के लिए, इतनी काफ़ी है। हाँ भाई कैसा लग रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है, दिल गार्डन गार्डन। इसके अलावा होता है ज़रा कुछ भाई, भाई, भाई इनका जो है ना सिर्फ दिल गार्डन गार्डन होता है, बहुत मज़ा आ रहा है।
ये वो अभी इस वक्त हम जो है तकरीबन टाइम हो रहा है 7:00 थोड़ी टाइम नहीं दिखा रहे घड़ी सी हाथ में 7:45 हो रहे हैं तकरीबन हम है मुल्तान फैसलाबाद मोटरवे पे। आप सीट चेक करें। ओ माय गुडनेस बहुत हैवी ट्रक जा रहे हैं। यहाँ मोटरवे पर हम रुके हैं यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए। ड्राइव कर रहा था काफ़ी देर से, थोड़ा सा सिली महसूस किया मैंने तो मैं रुक गया थोड़ा फ्रेश हूँ, थोड़ा सा तस्वीरें लें। ये हमें यहाँ पे लोकल गाइड मिले हैं यहाँ से, जो सारे टाप के इधर आए हैं ये बता रहे यहाँ पर आके ये सड़कों में खड़े हो जाते हैं, बाकी मैं आगे कुछ नहीं कहता। तो आप बताओ कि कैसा लगते है जब लोग किस किस तरह के लोग मिलते हैं आपको, कुछ कर देते हैं या कोई नहीं कोई कुछ भी नहीं करते हैं। कितनी की दिहाड़ी लग जाती है माफ करने वाले। भाई आगे समझते हैं आप ये क्या कहना चाह रहे हैं। यार अगर माफ करने वाले वो हाँ चले अब आगे सफर कंटिन्यू करते हैं आगे मजीद। तो बाकी वेदर जो है बड़ा VIP हो रहा है, हमें इस चीज़ का भी बड़ा बेनिफिट हुआ है कि हमें मौसम जो है वो बहुत प्यारा मिला है, हमें रास्ते में बारिश मिलती है। आप देखेंगे यहाँ पे रोड जैसे गीला हो रहा है। खैर हमें इस वाले पाथ पे तो इस वाले मोटरवे पे जो मुल्तान क्रॉस करने के बाद हमें बारिश नहीं मिली है, लेकिन यहाँ पे रोड गीला है हमारे पहुँचने से पहले यहाँ बारिश हुई। गाड़ी की हालत आप देख सकते हैं कैसी हो रही है। चले आगे बना दिया अब मजाक इश्क ने हमको।